subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. स्टार प्लस के शो अनुपमा में अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी अनुपमा की हालत अब काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और हमारी अनुपमा झूल रही है मौत और ज़िंदगी के बीच की एक जंग, जिसके साथ ही पाकी से लेकर समर और समर से लेकर वनराज तक अब मांग रहा है अनुपमा की सलामती की मिन्नतें, जिसके बाद अब काव्या को फिर एक बार वनराज के बर्ताव में दिखने वाला है एक बदलाव और दिखने वाला है कि वनराज के बर्ताव में अब आ गया है फिर एक बार अनुपमा की तरफ झुकाव, जिसके बाद अब काव्या को हो जाएगा इस बात का अंदाज़ कि भैया हमारी कश्ती तो यहाँ डूबने वाली है, अब यहाँ हाथ खड़े रहने का कोई भी फायदा नहीं है, जिसके बाद अब काव्या बनाने वाली है अपने लिए एक बैकअप प्लान और देने वाली है वनराज को एक जोर का झटका। जी हाँ, अब जल्द ही काव्या एक ऐसी चाल चलने वाली है जिसके बाद तो हमारे वनराज को इतना बड़ा झटका लगेगा कि हाथ मलते हुए दिखने वाले हैं वनराज और फिर दर दर की ठोकरें खाएंगे या फिर लौटना पड़ेगा अपनी पुरानी पत्नी और पुराने घर के पास। जी हाँ, अब जल्द ही काव्या फिर एक बार अपने पुराने प्यार, पुराने इश्क और पुरानी मोहब्बत अनिरुद्ध को देने वाली है फिर एक और बार एक नया मौका, जिसके बाद काव्या पहुँच जाएगी अनिरुद्ध के घर लेने एक कंधे का सहारा और अनिरुद्ध के साथ फिर एक बार करेगी एक नई शुरुआत, जिसके बाद तो वनराज को लगेगा झटका कि भाई पत्नी के साथ सब काव्या भी बोल रही है टाटा बाय बाय, जिसके बाद अब काव्या का नया रंग क्या करेगा वनराज, अब क्या सच में काव्या को छोड़कर अपनाएगा शाह हाउस का फिर एक बार दामन और मांगेगा गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अनुपमा से माफी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को और साथ साथ कमेंट में जरूर बताइए क्या काव्या को वनराज का साथ छोड़कर अनिरुद्ध के पास करनी चाहिए वापसी या फिर नहीं, और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.